आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं महिला पर्यवेक्षक भर्ती की क्लास, जिसमें माना रोग से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो स्टार्ट करते हैं, टोटल 40 प्रश्न देखेंगे जो आपकी बीमारियों से संबंधित प्रश्न है, जो आपके महिला पर्यवेक्षक के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट करना स्टार्ट कीजिएगा और टोटल हम 40 प्रश्न देखेंगे, 20 से 25 मिनट का समय आपको लिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माना रोग से संबंधित प्रश्न महिला पर्यवेक्षक की पहला क्लास। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मानव रोग से संबंधित प्रश्न जो आपके व्यापम और पीएससी में अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल 40 एमसीक्यू करने वाले हैं जो आपके हॉस्टल वार्डन और महिला पर्यवेक्षक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम आपको बताएंगे कि आज जो महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, आप लोग 40 एमसीक्यू की तैयारी करते हुए चलिएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं फिर माना रोग से संबंधित प्रश्न। पहला, डेंगू निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे फैलता है? जो डेंगू है आपका कौन से फैलता है? ऑप्शन ए एडिज एजिप्टी के कारण, ऑप्शन बी एसिडिस कैरेक्टर के कारण, ऑप्शन सी एसिडिस वैक्सान के कारण, आंसर डी एसिडिस सिनेकर के कारण। तो इसका आंसर आपका ए होगा, एडिज एजिप्टी के कारण, जैसे कि आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आंसर ए, बहुत लोगों ने आंसर दिया है। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट करते चलिएगा जिनको महिला पर्यवेक्षक की तैयारी करना है, ठीक है। ये आपका तीसरा क्लास है, पहला और दूसरा क्लास हमने बाल विकास और मनोविज्ञान से क्लास कराए थे जिसमें विभिन्न प्रश्न पूछे गए थे। सेकंड है, निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? ऐसा कौन सा रोग है जो कीट के काटने से होता है? तो इसका आंसर आपका डेंगू होगा, जो डेंगू होता है ना तो कीट के काटने से होता है, ठीक है। आप इसका आंसर चेक भी कर सकते हैं। तीसरा, डेंगू यानी कि बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है? तो किसके कमी के कारण होती है? प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, शर्करा या जल की कमी के कारण होती है। तो तीसरा प्रश्न का आंसर आपका ए होगा। यहाँ पर कमेंट ना करें, बिल्कुल क्लास लिया जा रहा है, वरना आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसका आंसर आपका ए होगा, प्लेटलेट्स की कमी के कारण डेंगू बुखार मानव शरीर में होता है, ठीक है। आंसर आप चेक कर दीजिए, कितने आंसर में चेक करूंगा मैं आपको बिल्कुल आंसर बता ही रहा हूँ ना, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। वीडियो में आपको एक बार में याद नहीं होता, वीडियो को आप दोबारा देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देख के जरूर जाइएगा, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो बीमारियों से संबंधित बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है, खासकर महिला पर्यवेक्षक के विषय में। तो निम्नलिखित रोगों में कौन सा जो टाइगर मच्छर द्वारा संचालित नहीं होती, जो टाइगर मच्छर है ना उसके द्वारा संचालित नहीं होती, तो इसका आंसर आपका होगा, कौन सा होगा चलिए कमेंट करके बताएं। चौथा का आंसर कौन सा होगा? बिल्कुल डी, जापानी एनसेफेलाइटिस, ठीक है, आंसर डी। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? आप लोग 12वीं से ये आप पढ़ते आ रहे हैं, 9वीं से 12वीं की जो बुक है ना वहाँ पर विज्ञान में आप पढ़ते आ रहे हैं कि हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा, फफूंदी के द्वारा, विषाणु के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा? जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल विषाणु के द्वारा होता है, जो हाइड्रोफोबिया होता है ना विषाणु के द्वारा होता है, ऑप्शन सी। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है किसके द्वारा? मच्छर के काटने से, दूषित भोजन एवं जल से, थूक से, कुत्ते के काटने से? तो देखिए सभी लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। पोलियो का जो वायरस है ना शरीर में किससे प्रवेश करता है? तो दूषित भोजन एवं जल से, जैसे कि खराब भोजन या ठंडा भोजन हो गया उसको खाने से, या फिर गंदे जल वगैरह पी लेने से पोलियो या फिर वायरस शरीर में प्रवेश करता है, ठीक है। आप लोग ये बताइएगा कमेंट करके कि कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है ना, कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो लोग अक्सर महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए खासतौर पर वीडियो लेकर आए हैं, टोटल 40 एमसीक्यू करने वाले हैं आज की क्लास में। और हमने कल की क्लास में देखा था महिला एवं बाल विकास की विभिन्न योजनाएं, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट या फिर डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है, ओके। चलिए, पोलियो का कारण क्या होता है? तो पोलियो होता है किसका कारण होता है?
जीवाणु, विषाणु, कीटों या कवक द्वारा? तो इसका आंसर हमें क्या लेना चाहिए कमेंट करके बताइएगा फटाफट। कितने लोग हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं कमेंट करके बताइए। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, जो पोलियो होता है ना आपका विषाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। चलिए, पोलियो के टीके की खोज किसने की है? एग्जाम में हर बार पूछा जाता है पोलियो के जो टीका होता है ना उसको कौन से या किसने खोजा है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आंसर बी जोनास साल्क, ऑप्शन सी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन डी एडवर्ड जेनर। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा, अगर प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो बिल्कुल कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न पीछे जाएंगे। तो पोलियो के टीके की जो खोज की है ऑप्शन बी होना चाहिए, क्योंकि जोनास साल्क है जो पोलियो के टीके की खोज की। नौवां प्रश्न, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? अब देखिए, ऐसा कौन सा है जो विषाणु जनित रोग नहीं है पूछा गया है। तो इसका आंसर आपका होगा डी, क्योंकि खसरा, रेबीज, पोलियो एक विषाणु जनित रोग है, जबकि क्षय रोग एक विषाणु जनित रोग नहीं है। इसका आंसर डी होगा। दसवां प्रश्न, बर्ड फ्लू रोग का कारण होता है, तो कौन सा कारण है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी एक्टिनोमाइसिटिस, ऑप्शन सी कवक या डी विषाणु। तो ये जो है ना आपका विषाणु से ही होता है, इसका आंसर डी होना चाहिए। ट्रिपल एंटीजन बच्चों को निम्न में से रोगों हेतु दिया जाता है, तो जो ट्रिपल एंटीजन है किसके रोग के लिए दिया जाता है बच्चों को? तो ये है आपका पोलियो चेचक डिप्थीरिया, डिप्थीरिया काली खांसी धनुरोग, धनुरोग चेचक खाली खांसी, काली खांसी धनुरोग पोलियो। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। अभी एक और क्लास लेना है हमें, जिसमें महिला एवं बाल विकास की विभिन्न योजनाएं से क्लास देखेंगे। दो क्लास हमने किया था, ये तीसरा क्लास इसके नेक्स्ट क्लास में होगी। अभी हम देख रहे हैं बीमारी से संबंधित प्रश्न मानव रोग से, ठीक है, मनुष्य में होने वाली बीमारियाँ। तो ट्रिपल एंटीजन बच्चों को रोग दिया जाता है ऑप्शन बी, कौन सा है? डिप्थीरिया काली खांसी धनु रोग। डिप्थीरिया निम्नलिखित जीवाणु के कारण होता है, जो डिप्थीरिया होता है किसके जीवाणु के कारण होता है? फंगस, फफूंद, वायरस, बैक्टीरिया, वर्मा, कृमि। तो इसका आंसर आपका सी होगा, बैक्टीरिया, ठीक है, वेरी गुड। वीडियो आपको पसंद आ रहा है क्या? हमारा परफॉर्मेंस कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है तो हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, बीमारियों से और भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा डेली क्लास करने के लिए, ओके। चलिए, तो निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म जो गलत है? तो चलिए देखते हैं कौन सी बीमारी किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताना स्टार्ट कीजिएगा, 13 का आंसर क्या होगा? तो 13 का आंसर चलिए देखते हैं टिटनेस बैक्टीरिया से, बिल्कुल सही है, गलत पूछा गया है ना, तो ये बिल्कुल सही है, टिटनेस बैक्टीरिया से। रेबीज वायरस से, डिप्थीरिया प्रोटोजोआ से नहीं होता ना, ये बिल्कुल गलत है। तो आप लोग बताइएगा डिप्थीरिया किसके कारण और किसके विषाणु से होता है, कमेंट करके बताइएगा आप लोग, चाहे गूगल से सर्च करो या जो भी सर्च करो वहाँ से आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। डायबिटीज डिजनरेटिव डिजीज, यानी कि इसका आंसर आपका सी होगा, जो कि गलत है, ठीक है। जापान में मिनी माता रोग जल किसके प्रदूषण से हुआ था? ये भी आपके पीएससी और व्यापम में शायद एक एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। जो ये एग्जाम शायद 2018 में पूछा गया था, ये आपका शायद अब याद नहीं आ रहा कौन सा एग्जाम है, लेकिन 2018 में पूछा गया है, मैं कहीं ना कहीं पढ़ा हूँ इसको। जापान में मिनी माता रोग जल में किसके प्रदूषण, अच्छा याद आ गया, 2018 और 19 में पूछा गया था, ये इसका पारा होगा, 14 का पारा होगा, है ना, क्योंकि देखिए शो कर रहे हैं हम आंसर पारा लिया है, क्योंकि जो प्रदूषण जल से होता है ये आपका 2019 में पूछा है। चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है जो खाद्य पदार्थ में उपस्थित बैक्टीरिया से नहीं होता? जल्दी जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या होगा।
बिल्कुल सही जवाब दिया है 15 का आंसर डी, तपेदिक, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ से होती है? तो प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया। बीसीजी का टीका प्रतिरोधक क्षमता के लिए लगाया जाता है, किसके लिए लगाया जाता है? तो ये आपका होगा क्षय रोग के कारण। और बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताएं बीसीजी का फुल फॉर्म। पेनिसिलिन प्राप्त होता है किससे होता है? शैवाल, जीवाणु, कवक, जड़ से। ये आपके आरआरबी एग्जाम में पूछा गया था, रेलवे बैंक में, है ना। और ये ग्रुप डी एग्जाम में भी पूछा गया था, पेनिसिलिन प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है, है ना। जनरल नॉलेज है, यानी कि कॉमन प्रश्न है, तो इसका आंसर बिल्कुल सही है कवक। जो पेनिसिलिन है ना आपका, कवक से प्राप्त होता है। ये तो बिल्कुल 9वीं 10वीं के एग्जाम में होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का जो तापमान होता है कितना होता है? आप सभी को मालूम होगा, ये 11वीं 12वीं की क्लास में भी था। देखिए हमारे तरफ पानी गिर रहा है, मतलब बारिश हो रही है, गर्जना है, तो जल्दी जल्दी क्लास लेते हैं ना, फिर वाईफाई बंद हो जाएगा ना, मतलब इधर लाइट वाइट बंद, दिक्कत होती है। लाइट ऑन कर दीजिएगा यहाँ पर, क्या लाइट ऑन कर दीजिएगा, मतलब वाईफाई थोड़ा स्लो हो रहा है यहाँ पर, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। फिर एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है? बिल्कुल आंसर सही है 98.4 फ़ारेनहाइट, है ना। कितने लोगों का आंसर आ रहा है? के नहीं होगा बच्चा, यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। सिकल सेल रोग किससे संबंधित है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा सिकल सेल रोग किससे संबंधित है। लार रुधिर कणिकाएं, यानी कि जो कोशिका होती है उससे संबंधित होती है, ठीक है। आंसर सी, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सी होगा। हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। वाईफाई कनेक्ट कीजिएगा सर, वाईफाई कनेक्ट करें, हेलो वाईफाई कनेक्ट करो। ओके चलिए हो गया, कनेक्ट हो गया ना। एलिसा किस रोग से संबंधित है? एलिसा एग्जाम में पूछता है, एलिसा किस रोग से संबंधित है? बिल्कुल सही है एड्स से। एड्स से किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन डी। कैंसर के विरुद्ध कार्य करने वाली औषधि जो है ना, कौन सी जो टेक्स औषधि प्राप्त किया जाता है वृक्ष से? यू, है ना। उस व्यक्ति के नेत्र दान स्वीकार नहीं किया जा सकता जिसकी उसकी मृत्यु किस समय बीमारी के संक्रमण में हुआ? रक्तचाप, मधुमेह, हेपेटाइटिस, अस्थमा। तो 23 का आंसर आपका सही होगा, हेपेटाइटिस। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? ये सभी को मालूम होना चाहिए, दूध किस बैक्टीरिया के कारण होता है। देखिए हमारा जो क्लास चल रहा है ना, महिला पर्यवेक्षक, जो कि विज्ञान से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है ना, विज्ञान से भी क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? लैक्टोबेसिलस, लैक्टोबेसिलस 24 का डी। फफूंद द्वारा तैयार किए जाने वाले विषाक्त पदार्थ कहलाता है? थ्रियोबोमिन, काइटोमैक्सिन, माइकोटॉक्सिन, उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब माइकोटॉक्सिन, जो कि फफूंद द्वारा तैयार किए जाने वाला पदार्थ है, सी। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया जनित नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? बी, पोलियो। स्वाइन फ्लू रोग का कारक है? ये तो आप सभी को मालूम होगा, स्वाइन फ्लू रोग किसका है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, क्या है? बिल्कुल सही है विषाणु, हमेशा जो स्वाइन फ्लू होता है ना विषाणु से होता है। भारत में बने रोग वेग टीके का उपयोग किस रोग के बचाव के लिए किया गया जाता है? दस्त, हैजा, नजला, पोलियो। दस्त किसकी कमी के कारण होता है कमेंट करके बताइएगा, हैजा किसके कमी के कारण होता है कमेंट करके बताइएगा। अभी बता रहा हूँ ना दस्त वाला, ये जो है रोटावेग, ये देखिए एग्जाम में अभी पूछा था ना, अब आ गया। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? रेबीज प्रभावित होता है, कौन सा रेबीज बताइए, क्या? हाँ, केंद्रीय नाड़ी की संरचना, आंसर है
नहीं, ये जो लाल रक्त कोशिका नहीं आएगा, जो नाड़ी संरचना होता है ना, वो पागल कुत्ते के काटने से उत्पन्न होता है रोग। रंग अंध व्यक्ति इनमें से रंगों को भेद नहीं कर सकता, पीला हरा, काला नीला, लाल हरा, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी नहीं आएगा ना, कैसे आएगा? देखिए इसमें लाल रेड है ना, जो लाल रंग है और हरा रंग है, मतलब मेरे कहने का मतलब है जो व्यक्ति है रंगों को भेद नहीं कर पाता, लाल रंग ठीक है, लाल है और हरा है, ठीक है। वीडियो कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके बताइएगा, हमें भी अच्छा लगेगा अगर वीडियो आप देखिए, हमें भी पढ़ाने में मज़ा आएगा, क्योंकि वीडियो में जितना ज़्यादा लाइक आएगा ना हमें उतनी ज़्यादा खुशी मिलेगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हाँ देखिए हमें भी खुशी मिलती है वीडियो में अच्छा खासा लाइक आता है तो। चलिए पायरिया बीमारी है, पायरिया किससे होता है? मसूड़ों से होता है। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग उपयोग आता है? नेत्रदान में कार्निया, क्या आएगा? 32 का कार्निया। इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा उत्पन्न होता है? इन्फ्लुएंजा 30 विषाणु। सिकल सेल एनीमिया किस कारण होता है? जो सिकल सेल होता है सभी को मालूम है, जीन की कमी के कारण होता है। अल्जाइमर रोग बताइए, मानव में कौन सा शरीर प्रभावित होता है? अल्जाइमर 35 मस्ती, ठीक। तपेदिक रोग का कारण है, ये तो एग्जाम में पूछता अच्छा है, ये तो 2 से 3 बार पूछा गया है। तपेदिक रोग 36 का आंसर भी जीवाणु। मायोपिया जानते हैं, निकट दृष्टि दोष होता है मायोपिया, ये 12वीं में है फिजिक्स, भौतिक के है, भौतिक से पूछा गया है ना। मायोपिया 12वीं पढ़े हैं, मायोपिया निकट दृष्टि दोष, अवतल लेंस से, ठीक। इसका बताइएगा क्या आएगा? मिनी माता रोग किससे संबंधित है? इसका तो आप लोग ऐसे चुटकियों में बता देंगे, क्या आएगा मिनी माता रोग? कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, आप सभी के लिए क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन था मिनी माता रोग किससे संबंधित है, बिल्कुल सही है, जितने लोग आंसर डी आ रहा है ना, बिल्कुल सही है, मर्क्यूरी, गुड। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्लास देखेंगे इसका पार्ट टू वीडियो में, अभी हम क्लास लेने जा रहे हैं बाल विकास है मनोविज्ञान से, छात्र और अधीक्षक की क्लास भी चलेगी, हाँ महत्वपूर्ण योजनाएं देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना, थैंक्स, बाय बाय।